फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजनीश पाटीदार, लक्ष्य MBBS, और अभी हम हैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां हम अभी आकाश के साथ हैं। तो आकाश, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा आपका कंट्री को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर एक्सपीरियंस? सर, यूनिवर्सिटी तो सही है बहुत। एनाटॉमी डिपार्टमेंट, लैटिन डिपार्टमेंट, सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। जब भी स्टूडेंट्स को कभी ज़रूरत हो, हमेशा यहाँ पे फैकल्टीज खड़े रहती, मतलब कभी भी, मतलब ज़रूरत जब पड़े। एनाटॉमी में आप जब भी जाओगे कभी रिवर्क्स देने के लिए, तब भी मैम फिर से एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा समझाती है। मीन्स कि यूनिवर्सिटी ये बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बोगोमोलेट्स। आप देखें तो ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा सही लगती है। और इस टीचर्स का सपोर्ट कैसा होता है इधर? सर, टीचर्स की फुल सपोर्ट रहती है आपको। जितनी भी टीचर्स हैं यहाँ पे, मतलब सपोर्टिव रहते हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देख लीजिए, लैटिन डिपार्टमेंट, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सारे कोऑपरेटिव टीचर्स, सारे कोऑपरेटिव, सारे लोग हेल्प करते हैं। और सीनियर्स का बिहेवियर कैसा है इधर? सीनियर्स सबसे पहले आप यदि आओगे तो आपको पहले वही, मतलब बताएंगे कि यहाँ पे आपको कैसे, मतलब अडेप्ट करना है एनवायरमेंट, कहाँ पे आपको कैसे खर्चे करने, सबसे पहले एक सीनियर हमें हेल्प करते हैं। और सेफ्टी को लेकर इंडियंस पेरेंट्स को सबसे बड़ा एक डाउट होता है कि यार बच्चा सेफ होगा कि नहीं, तो सेफ्टी को लेकर कंट्री वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, हॉस्टल वाइज आप क्या बताएं? नहीं, हॉस्टल में तो आपको, मतलब आपकी आईडी कार्ड रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको दिखाओगे जाना है, तो सिक्योरिटी के मामले में अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, और कंट्री का सिक्योरिटी के मामले में? कंट्री की सिक्योरिटी अच्छी है यहाँ पे, मतलब कुछ भी होता है तो पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपके मीन्स जो भी आपके कंसल्टेंट ही रहती है वो आपको पहले बता देती है कि ये होने वाला है, तो आप उसके हिसाब से रहते हैं। ओके, और आप हॉस्टल में रहते हैं? यस, आई एम इन हॉस्टल। ओके, खाना खुद ही बनाते हैं? यस। तो खाना बनाने में कोई असुविधा? नो, जो भी सामान है यहाँ से खरीद सकते हैं, सारा ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। जनरली इंडियन अवेलेबल है, लोगों को ये डाउट होता है कि हमको कुछ सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ इधर अवेलेबल है इजीली। और ज़्यादा टाइम कंज्यूम तो नहीं होता खाना बनाने? नहीं, सिर्फ ओनली 1 to 2 hours ओनली। ओके, ओनली 1 day, मतलब स्टडी कहीं प्रभावित नहीं होती आपके खाना बनाने? यदि आप रूममेट्स में आपके चार है तो एक दिन वो बना लेते, एक दिन आप बना लो, ऐसे 4 दिन हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस। विनिसिया में आना एक अच्छी बात है, क्योंकि आप देखा जाए कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत होती नहीं वहाँ पे, भले इस यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे तो आपकी NP लगेगी, और NP लगेगी तो फिर आपका एक्सपेल होने का, यहाँ पे कई स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में कई उनके, मतलब NP से उनको एक्सपेल कर दिया गया। और बाकी यूनिवर्सिटी एक्शन इतनी जल्दी नहीं लेती, भले ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम से लेना शुरू कर देती है। यदि आपकी जितनी ज़्यादा NP होगी आप एक्सपेल हो जाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो ही आपका क्लास आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको एक्सपेल कर देगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, यही होता है, मतलब यदि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको एक्सपेल। जो स्टूडेंट पढ़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है ये, अच्छा यूनिवर्सिटी, मतलब आप दूसरी यूनिवर्सिटी यूक्रेन में कंपेयर करेंगे तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी सबसे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नाइस टू मीट। थैंक यू फ्रेंड। मेरा नाम धीरज वैष्णव है, मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और यूनिवर्सिटी यूक्रेन की बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती है, बहुत अच्छी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बाकी अदर फैकल्टीज भी हैं यहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, यहाँ पर अच्छे से लेक्चर्स भी लगते हैं और क्लास लगती है, उसमें जितने भी टीचर्स है फैकल्टीज है बहुत कोऑपरेटिव है, हमें हेल्प भी करती है, अगर हमें कोई डाउट्स हो तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं, अलग से क्लास भी लगती है उनके लिए। ओके, और आप यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं या फ्लैट से रहते हैं? अभी फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में अगर आप रहो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप नई कंट्री में आए हो तो आपके लिए। हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है आपका? हाँ, हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इतने सेपरेट रूम्स है, फोर पर्सन या 2 पर्सन इन रूम्स रह सकते हैं, और हॉस्टल यूनिवर्सिटी से बहुत नज़दीक भी है, तो आपसे वॉकिंग डिस्टेंस में आ सकते हैं, डिस्टेंस बहुत कम है। ओके, और हॉस्टल में सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ कैसा है? हाँ, हॉस्टल में सेफ्टी सिक्योरिटी भी अच्छी है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए बहुत सेफ है। ओके, और लॉन्ड्रीज वगैरह? हाँ, लॉन्ड्रीज फैसिलिटी सब कुछ है हॉस्टल में। ओके, खाना खुद ही बनाते हैं आप, तो किचन वगैरह क्या फैसिलिटी कैसी? किचन फैसिलिटीज़ भी है, वरना पे आप चाहे तो अलग दूसरे रेस्टोरेंट भी खुले हुए हैं, आप वहाँ पर भी खाना बना सकते हैं, यहाँ पे आप हॉस्टल में खाना बना सकते हैं। ओके, और जब आप यहाँ आए थे तब मन में खैर बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कैसा कंट्री है, नए लोग कैसे हैं, तो यहाँ आने के बाद आप हैप्पी हैं? हाँ, यहाँ पर आने के बाद मैं हैप्पी हूँ, यहाँ पर अब मेरे जैसे भी मुझे बहुत सारे दोस्त बने, फैमिलीज बनी है ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ पर बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं किसी नई कंट्री में आया हूँ, अच्छी MBBS कर रहा हूँ। ओके, टीचर आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका नेचर कैसा है, सपोर्ट कैसा मिलता है, कुछ रैगिंग वगैरह क्या रहता है? नहीं, यहाँ पर रैगिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कोई रैगिंग नहीं होती, यहाँ पर सीनियर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है, हमें हेल्प करते हैं, हमें कोई भी अगर जरूरत हो तो हमको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट अब्रॉड आने के बारे में सोचते हैं बट वो कहीं डिसीजन नहीं ले पाते, और ड्रॉप्स लेने के बाद फिर या तो प्लान BSc या 12th करके रह जाते, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
के लिए मैसेज है मेरा कि अगर आप इंडिया से अगर आप MBBS हो पाए तो ठीक है, वरना फिर आपको कोई मतलब तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एब्रॉड आ जाइए, यहाँ पर MBBS करिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। गुड, थैंक यू वेरी मच। अंबिका, कहाँ से? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। आपका कैसा फीडबैक रहा यूनिवर्सिटी? इट्स अ गुड प्लेस, दे टीच अस वेरी वेल, देन इट्स वेरी नाइस, आई हैव नो अदर वर्ड। ओके, एंड आप हॉस्टल में रहते हैं या? या, इट्स इन, आई एम इन हॉस्टल एंड द फैसिलिटीज इन द हॉस्टल आर वेरी गुड। माय नेम इज सोनाली गुप्ता, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड, जैसा हमने सुना था वैसा ही है बिल्कुल। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप जितना चाहें उनसे पूछ सकते हो, और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, मींस हर चीज़ के लिए इतना रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, पर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग आएंगे जाएंगे, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, यहाँ के पर्सन्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं और वो बताते हैं, ये नहीं कि वो हमें नहीं समझाएंगे, हमें नहीं बताएंगे, वो हमें बताते हैं और हमें समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ गुड, और ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे नए हैं, और वो हमें बताते हैं लाइक इंडियंस ओनली। मीन्स अगर हम यहाँ आएंगे, अगर आप लोग भी कोई आना चाहते हैं तो आइए, दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल नेचर ऑफ पर्सन एंड एजुकेशन इज़ वेरी गुड। ओके, थैंक यू। और उसके अलावा जो काफ़ी सारे पेरेंट्स का होता है कि गर्ल्स को सेफ्टी को लेकर, नो 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 नो, दिस कंट्री इज़ वेरी गुड, मीन्स फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी सेफ्टी, मीन्स गर्ल्स डोमिनेटिंग कंट्री है, हमें आज तक फील ही नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह पर आए हुए हैं। बस मम्मी पापा से बात करने के लिए भी आजकल वीडियो कॉल हो गई है, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती, घर जैसा ही लगता है, बस घर की याद कभी कभी तो आती है, वो नेचुरल है, बट पढ़ाई करने आए तो मेन मोटिव इज़ अवर स्टडी ओनली, और वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। सिटी इज़ वेरी गुड, यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, मीन्स यूनिवर्सिटी के ही पास सब कुछ है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना रहता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा चाहिए तो आप और बाहर जाइए, कीव वगैरह, बट विनिसिया सिटी भी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खाने को लेके, ना कपड़ों को लेके, ना किसी चीज़ को भी नहीं लेके, बस पानी यहाँ से खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि अपने हाइजीन के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो काफ़ी कम पैसा लगता है ना उसका? हाँ जी, हाँ जी, वो एक रुपये का एक लीटर पानी मिलता है। और आपका कैंपस से हॉस्टल्स का कितना दूरी है? ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, काफ़ी पास में जी, बिल्कुल। और सेकेंडरी आप खाना खुद बनाते हैं? वो आपकी चॉइस है, अगर आप बाहर से लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो आप खुद बना सकते हैं, गैस फ्री है, लाइट फ्री है, हर चीज़ फ्री है, किचन वगैरह सब कुछ, सब चीज़ वेल मेंटेन है, इंडिया की तरह गंदा नहीं होता है यहाँ पे। अगर आप गंदा रखोगे तो सीधे स्ट्रिक्टनेस पता चल जाएगी कि आपको साफ़ करना है, अदरवाइज आप फाइन भरें, लाइक तो आप बेझिझक आइए, क्योंकि अब तो इंडिया में भी कंपलसरी होने वाला है, आप चाहे गवर्नमेंट निकालें चाहे आप प्राइवेट करें, MCI को चेंज कर दिया गया NC समथिंग में, तो आपको वो डेफिनेटली देना पड़ेगा। और आप यहाँ अगर अच्छी स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्टडी जितना अच्छा करेंगे आप उतना ईजिली MCI निकाल सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं बाहर जाके बच्चा बिगड़ जाता है, वो सब चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम कभी नहीं जज कर सकते वो बंदा कैसा है, वो बंदा कैसे है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है, हम किसी भी इन्वायरमेंट में रहें अपने आप को सही रहना है, बाकी दोस्तों को भी आप सही कर सकते हो अगर आप खुद अच्छे। गुड गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस को जान के और आपके इतने अच्छे विचारों को सुन के कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक डिसीजन लेने में हेल्प नहीं मिलता है। आपने जो मैसेजेस दिए हैं उस मैसेज को सुन के सारे स्टूडेंट को ऑब्वियसली बात है कि समझ में आई गया हमको अब्रॉड जाने का डिसीजन लेना चाहिए। एकदम, यूक्रेन इज़ अ गुड सिटी, वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच।